आपका हृदय से आभार। डिनर के पहले बोलना पड़ रहा है मुझे तो, और मैं बहुत बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं बोलने के व्यवसाय में पिछले 25 वर्ष से हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो आप सुनते ही हैं, देखते भी हैं। आज पवन जी की बात से मैं बहुत प्रभावित था, और ये अगर वो रहते तो शायद और बात होती। नेशन स्टेट और जो हमारा समाज है उसके बीच का जो कॉन्ट्रडिक्शन है तो उस पर हम लोग ज़रूर बात करते। उसके बाद मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी ने अच्छी बात बताई है कि कैसे हम लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हम लोगों को करना भी चाहिए। बहुत सारे वक्ता अभी हैं, अंबर जी बैठे हैं, लेकिन भाषण की शैली में आदरणीय नीलेश जी, आदरणीय प्रकाश पोहरी जी, अंबर कोयरी साहब, फिरोज मीठी बोरवाला साहब, और इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं उस सबके प्रति मैं नमन करता हूं, अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ये मंच दिया है। ज्ञान की इतनी बात हो गई है कि मैं उस पर चर्चा कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक वेद वाक्य मैं आपके सामने उद्धृत करता हूं। पूर्ण मदह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमारी संस्कृति रही है, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। पूर्ण से पूर्ण को घटाएंगे तो पूर्ण बचेगा। तो पूर्णता की इस थ्योरी में हमारी संस्कृति हजारों वर्षों से आ रही है, इसलिए मैं पवन जी से मैं बात करना चाहता था अगर वो होते, वो बुद्ध के पास चले आए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे मालूम था कि जब मैं भाषण देने आऊंगा तो मेरा फोन जरूर बजेगा क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम्। और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूं वही तुम हो। अब इससे बड़ा कोई दर्शन हो सकता है दुनिया में? जो आप हैं वही मैं हूं। अभी धर्म के ऊपर चर्चा हो रही थी, धृति क्षमा तमोस्तेयम शौच मिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षणम। धार इति धर्म होता है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। पहाड़ का धर्म उसकी ऊंचाई है और समुद्र का धर्म उसकी गहराई। ऐसी चिंतन की मूल धारा बहने वाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति का जो सबसे बड़ा अभी हमारे सामने जो समस्या है सबसे बड़ी, वो हमारी इन्फीरियर लीडरशिप है। जो हमारा नेतृत्व है उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो इतना घटिया है कि हमारे 140 करोड़ की आबादी को कोई दिशा दे ही नहीं सकता है। और नेतृत्व का मतलब है नेतृत्व इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक जीवन के सभी परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए न ययो न तस्यो की स्थिति में मत रहिए, कदम आगे बढ़ाएं कि पीछे रखें। राजनीति से बढ़कर के कोई सेवा धर्म नहीं है। बेईमानों ने, पापियों ने, स्वार्थियों ने, लोभियों ने राजनीति को बर्बाद किया है। आप सभी सभागार में हैं, कहिए कि आप सभी राजनीति करेंगे। राजनीति करना चाहिए, राजनीति सेवा भाव से होनी चाहिए। मैं तीन ही बात कहूंगा, संगठित होना पड़ेगा, विचार बनाना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और लकीर अपने जैसा अभी उन्होंने कहा कि अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी। मीडिया के समानांतर मीडिया खड़ी करनी होगी, राजनीतिक पार्टियों के समानांतर अपना राजनीतिक आउटफिट बनाना पड़ेगा, और
जो विचार अभी चल रहा है उसके बरक से विचार देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज इस मंच से आपको ये सूचित भी कर रहा हूं कि मैं प्रकाश भाऊ कोहरे का बहुत आभारी हूं जिन्होंने हमारा दामन थामा और कहा कि आपके साथ मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। इसलिए आपकी लड़ाई में गिलहरी की तरह मेरे और प्रकाश जी से जितना भी सहयोग हो पाएगा, एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट निडर पत्रकारिता का, उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मैं आपको वचन दूंगा। वैचारिक तरीके से हमने एक और संगठन का निर्माण करवाया है जिसको नीलेश जी ने बहुत मदद किया है और सभी फिरोज भाई ने, योहान ने, अंबर भाई ने, सबने, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो गया है और दुनिया भर के डॉक्टर्स, भारत के सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं, UHO.org.in पे जाइए, देख लीजिए और वो हमारा इंटेलेक्चुअल आर्म बनेगा, भारत नव निर्माण अभियान के साथ मिलकर के वो आगे काम करता रहेगा, इसकी भी मैं आपको गारंटी दूंगा। और तीसरा, मैं अपने तरफ से नीलेश जी से यह आग्रह कर रहा हूं कि जितना जल्द हो सके हमारे युवाओं को दिशा देनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी जो युवा शक्ति है वो बर्बाद हो जाएगी। एक हमारे युवा साथी ने भी पूछा सवाल कि ये जो था अग्निवीर, अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में क्या कहना है। मैंने कुछ दिन पहले जिसमें जितेंद्र ओझा जी आए थे, मैंने कहा था कि देखिए मैं बहुत मुखर पत्रकार हूं और मैं डरता नहीं हूं। मैंने लेफ्टिस्ट के कार्यक्रम में कहा था कि आप नरेंद्र मोदी जी का क्यों विरोध कर रहे हैं, आपको तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी में क्यूबन राष्ट्रपति की झलक दिखती है। तो वो नाराज हो गए थे। मैंने कहा था कि देखिए क्यूबा में अपना मिलिशिया उन्होंने बना लिया था, फिरोज भाई जानते हैं इस बात, फिडेल कास्ट्रो, और उन्होंने जब सत्ता हस्तांतरित किया तो अपने भाई राउल कास्ट्रो को दिया, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर के देशों में ये जरूरी है, लोग सेना में आए, सेवा दें और फिर जहां बाहर जाए, ये शास्त्रार्थ का विषय हो सकता है। अगर नियत ठीक हो तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर नियत में खोट हो तो आपत्ति ही आपत्ति है। इसलिए मुझे लगता है कि उन साथी जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनको शायद उत्तर मिल गया हो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस राजनीति को चुनौती देने के लिए बगैर राजनीति के फील्ड में उस अखाड़े में उतरने बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए राजनीतिक विकल्प पर भी चिंतन करना चाहिए। और मुझे चाणक्य की वो बात याद आती है कि जिस संस्कृति के जनमानस में अपनी संस्कृति को बचाने की ललक नहीं है, जिद नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, फिर वो संस्कृति बचेगी नहीं। और ये बात उन्होंने यवनों से लड़ाई के लिए कहा था, आज ये मान के चलिए मैं राहुल गांधी, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, इन सब के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। भारत एक बार फिर से स्वाधीनता आंदोलन के मोड़ पे खड़ा है और वो स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत आज LGT हॉल से हो जाना चाहिए। कल जब आप समापन करें तो दुनिया भर में, भारत नहीं, डॉक्टर पीटर मैकॉला जो अभी अमेरिका में लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को और उनको एंटी वैक्सर कहा जा रहा है, लेकिन वो बहुत रिनॉन्ड डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत के तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के तरफ इसलिए देख रही है कि भारत बाजार है उनके लिए। लेकिन पीटर मैकॉला कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि मूल भावना जो जनतंत्र की है वो भारत में बची हुई है और वहां से जो हवा निकलेगी उस तूफान में ये पश्चिम उड़ जाए। इसलिए भारत नहीं, पूरा यूरोप इंतजार कर रहा है आपका। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आज इस हॉल से कल जब आप समापन करें
तो बिगुल फूंक दें कि भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई की शुरुआत हस्तिनापुर से हो गई। और इस हस्तिनापुर में जितने धृतराष्ट्र हैं उसको पांडवों की टीम तो चलता देती, चिंता मत करो। दिनकर की इस पंक्ति के साथ, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से टार हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में दाव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसीलिए उत्तिष्ठतो, जाग्रतो, प्राप्ति बोध परण्यतो, और ऐ भारतवासी उठो जागो, और तब तक विराम नहीं लो जब तक कि इस गुलामी से हम लोग अपने को बाहर न निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।